मैं बनना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये समय हमारे और आपके मिलने का, इसीलिए तो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड में मैं आपकी दोस्त बबीता जैन आपसे मिलने के लिए आप पहुंची हूँ। और आज सबसे पहले हिंदुस्तानी इतिहास के उस दौर से हम आपको रूबरू करवाएंगे, वहां पर हम आपको ले जाएंगे जहां आजादी की लड़ाई एक करवट ले रही थी। फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सर नहीं झुकाए, या तो उनके सर कुचल दिए गए या तो उन्हें सर उठाने के काबिल ही नहीं रखा गया। लेकिन आज जिस घटना के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, उसने हिंदुस्तान की आजादी में एक मुख्य भूमिका निभाई और साथ ही साथ ये तय कर दिया कि अब हम आजादी से कम में मानने वाले नहीं हैं। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये आजादी का वो बिगुल था जिसे अंग्रेज सरकार चुप करा देना चाहती थी, लेकिन भारतीयों के जज्बे के आगे वो इसे चुप न करा सकी। देश में चारों ओर महात्मा गांधी से लोग जुड़ते गए। अहिंसा की वो ज्वाला पूरे देश में जलने लगी, जिसकी आंच से तिलमिलाए अंग्रेजी हुकूमत इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही खत्म करने के मंसूबे बना चुके थे। इस आंदोलन को शुरू करने वाले महात्मा गांधी को 4 मई 1930 को आधी रात में हिरासत में लेकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन अंग्रेज ये भूल गए कि जो लॉ महात्मा गांधी बाहर जलती छोड़ आए हैं, उसे किसी भी जेल की दीवार या सलाखें कभी भी रोक नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी मजबूत हो। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत असल में ऐसे हुई कि ये आंदोलन 1928 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की तरह से दूसरा दौर था, जब गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को ये संदेश भिजवा दिया कि या तो हिंदुस्तान को आजाद करो या फिर एक नए असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा, भारत की आजादी। और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों को 1 साल का समय दिया। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने इसे सीरियसली न लेते हुए इसे सिर्फ कुछ कमजोर हिंदुस्तानियों की बेकार की चेतावनी समझा और उन पर जुल्म करते रहे। लेकिन यहीं पर हिंदुस्तानियों की हिम्मत की कहानी खत्म नहीं होती। ये वो दौर था जब देश में आजादी की लहर दौड़ चुकी थी और कोई भी अंग्रेजी हुकूमत के किसी भी फैसले को मानने के हक में नहीं था। जब अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगाया तो गांधी जी ने एक नए सत्याग्रह का ऐलान कर दिया और इतिहास के पन्नों में वो गाथा डांडी मार्च के नाम से दर्ज हो गई, जिसने अंग्रेजों के पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। गांधी जी की अहमदाबाद से डांडी मार्च 388 किलोमीटर की थी और इस पैदल यात्रा में हजारों हजार की संख्या में भारतीय जुड़ते गए, जिसने दुनिया भर का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित कराया। और धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के हौसले पस्त होने लगे। उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो इस आंदोलन को कुचल दें। इसी के चलते अंग्रेजों ने बल का प्रयोग किया और करीब 60,000 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। मगर अंग्रेज कभी भी भारतीयों के हौसले नहीं तोड़ सके और अंत में उन्हें भारत छोड़कर जाना ही पड़ा और हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया। और आज तक हम इस आजाद हिंदुस्तान में गर्व से सांस ले रहे हैं। जय हिंद। Born to be remembered.
फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। और चलिए अब आजादी के मतवालों से आगे चलते हैं और बात करते हैं एक खूबसूरत शख्सियत की, जिन्हें हॉलीवुड की उन चंद हीरोइंस में गिना जाता है जिन्होंने अपनी कला से एक ऐसा मुकाम पाया कि उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें भूल नहीं पाए। ऑड्रे हेपबर्न हॉलीवुड का वो नाम है जिसे अदाकारी और खूबसूरती का नगीना कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन ऑड्रे हेपबर्न की सफलता की कहानी में कई उतार चढ़ाव थे। 4 मई 1929 में ब्रूसले बेल्जियम में जन्मी ऑड्रे हेपबर्न का बचपन एक कठिन दौर से गुजरा। 6 साल की उम्र में ही उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए और वो अपनी माँ के साथ हॉलैंड चली गयी। और हॉलैंड पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही जर्मनी ने हॉलैंड पर कब्जा कर लिया। इसका असर ये हुआ कि हॉलैंड में भुखमरी का एक भयानक दौर शुरू हो गया। ये एक ऐसा दौर था जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंखों के सामने मौत नजर आती थी। इसका असर ऑड्रे हेपबर्न की सेहत पर भी दिखने लगा। खुद को भूख के ख्याल से दूर रखने के लिए उन्होंने किताबों का सहारा लिया और बाकी समय वो एक बैलेट डांसिंग ग्रुप के साथ बैलेट करके अंडरग्राउंड मूवमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करती थी। और दोस्तों, यही नहीं, भूख शांत करने के लिए उन्होंने ट्यूलिप बल्ब्स तक खाए। ये वो किस्से थे जिन्होंने आगे चलकर ऑड्रे हेपबर्न की शख्सियत और जिंदगी दोनों को बनाने और दिशा देने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। फ्रेंड्स, 1951 में ऑड्रे अपनी माँ के साथ लंदन चली गईं और वहीं बैलेट डांस की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। फ्रेंड्स, एक बड़ी हंसी की बात ये है कि जब वो बैलेट डांसिंग सीख रही थी तो उनकी टीचर ने उनसे ये कहा कि वो काफी लंबी हैं, जो एक प्रोफेशनल बैलेट डांसर के लिए फिट नहीं है। उनकी टीचर को शायद बाद में ये एहसास जरूर हुआ होगा कि वो कितनी गलत थी। और फ्रेंड्स, उसी साल 1951 में ऑड्रे को ऑड्रे हेपबर्न ब्रॉडवे प्ले गिगी में मुख्य भूमिका के लिए चुन लिया गया और यहीं से शुरू हुआ ऑड्रे की कामयाबी की दास्तान का ये सफर। फ्रेंड्स, उन्हें अपने पहले ही ब्रॉडवे प्ले के लिए थिएटर वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा गया और फिर क्या था, फिर तो उन्हें कई बड़े बड़े मौके मिलने लगे और यहाँ से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। दोस्तों, वैसे तो ऑड्रे एक फेमस बैलेट डांसर थी और यही उनकी पहली पसंद भी थी, लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। 1951 में ऑड्रे ने द सीक्रेट पीपल से अपनी फिल्मी सफर का आगाज किया, लेकिन उन्होंने शोहरत पाई 1953 में आई फिल्म रोमन हॉलिडे से, जिसके लिए उन्हें एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से भी सम्मानित किया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन इन न्यूयॉर्क सिटी, मिस ऑड्रे हेपबर्न इन रोमन हॉलिडे। आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीबॉडी हु इन दिस पास्ट मंथ्स एंड इयर्स हैव हेल्प्ड गाइडेड and given me so much. I'm truly, truly grateful and terribly happy. और दोस्तों, उसके बाद तो ऑड्रे बॉक्स ऑफिस की सबसे चहेती एक्ट्रेस बनकर उभरी और उस वक्त के सभी बड़े एक्टर्स के साथ फिल्मों में नजर आई, चाहे वो फ्रेड के साथ फनी फेस हो या फिर गैरी कूपर और बोगार्ड के साथ लव इन द आफ्टरनून हो। उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्मों में ब्रेकफास्ट एट टिफनीज, माय फेयर लेडी के नाम से शामिल हैं। शॉन कॉनेरी के साथ रॉबिन एंड मारियन भी ऑड्रे की बेहतरीन फिल्मों में शुमार हैं। दोस्तों, 15 साल तक फिल्मों में सफलता की ऊंचाइयों पर रहने वाली ऑड्रे 1967 के बाद बहुत कम फिल्में करने लगी। उनकी आखिरी फिल्म स्टीवन स्पीलबर्ग के डायरेक्शन में बनी ऑलवेज, जो 1988 में आई। अपने लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने उन ऊंचाइयों को छुआ जो शायद ही किसी की किस्मत में होती है। और दोस्तों, शायद इसीलिए ऑड्रे हेपबर्न जैसे लोगों के लिए कहा जाता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल।
लिसनर्स, अब बारी है हॉलीवुड की गलियों से आपको वापस हिंदुस्तान लेकर आने की, और अब बात करेंगे डॉक्टर सैम पित्रोदा की। इस नाम से तो शायद आप सभी लोग वाकिफ ही होंगे, जिन्हें हिंदुस्तान में द फादर ऑफ इंडियंस कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर सैम पित्रोदा ने ही 1983 में पहला कंप्यूटर थीम कार्ड गेम बनाया, जिसका नाम था कॉम्प्यू कार्ड्स। ये अपने आप में एक अलग उपलब्धि थी। दोस्तों, कम्युनिकेशन की फील्ड में उनकी इन्हीं सलाहियतों को देखकर तब प्राइम मिनिस्टर लेट श्रीमती इंदिरा गांधी ने डॉक्टर सैम को भारत वापस आने के लिए प्रेरित किया, और 1984 में अमेरिका से भारत वापसी के बाद उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारे बदलाव लाए और डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C.dot की स्थापना की। और आज ही के दिन यानी 4 मई 1942 को ओडिशा में जन्मे डॉक्टर सैम को हिंदुस्तान में पब्लिक कॉल ऑफिसेज यानी कि PCO लाने का श्रेय जाता है। दोस्तों, PCO यानी एक ऐसा जरिया जहां से आप दुनिया भर में कहीं भी बात कर सकते हैं, जो आज हर गली नुक्कड़ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, बेशक मोबाइल फोन्स के आने से PCO नजर न आए, मगर उस वक्त उस दौर के लिए ये किसी गिफ्ट से कम नहीं था, क्योंकि तब ज्यादातर लोगों के घरों में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। वैसे दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सैम को 1987 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया, और उस दौरान उन्होंने फॉरेन और देश की टेलीकम्युनिकेशंस पॉलिसीज में बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव किए। आई डोंट थिंक वन लिटिल थिंग लाइक दैट इज आंसर टू ऑल ऑफ इट। आई थिंक इट्स अ होल जर्नी, इट्स अ टोटल जर्नी। And plus, I was lucky enough to be at the right place at the right time, you know, with good support from friends, family. It just happened. Okay. If you ask me about did I plan? No. Did I know? No clue. But no idea. It just happened. डॉक्टर सैम पित्रोदा के टेलीकम्युनिकेशंस में उनके योगदान के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU ने जिनेवा में उन्हें 17 मई 2011 को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, यूं तो डॉक्टर सैम को बहुत सारे सम्मान दिए गए, जिसमें से 2009 में पद्म भूषण, 2002 में डाटा क्वेस्ट की तरफ से IT लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, और 2007 में IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस प्रमुख हैं। तो दोस्तों, देश की टेलीकॉम तरक्की में नई कहानी लिखने वाले डॉक्टर सैम पित्रोदा को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम आपको लिए चलते हैं कम्युनिकेशन से मेलोडीज की तरफ, और मुझे मालूम है कि अब आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट जरूर आ गई होगी। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड को करते करते मेरी भी जी के ना बहुत स्ट्रांग हो गई है, और शायद आपकी भी हो गई होगी। इतने लोगों के जीवन के बारे में हम जान गए हैं और अभी जानना बाकी है, तो मेरे मन में इच्छा होती है कि मैं कब इस मुकाम को हासिल करूंगी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ बताते हैं। अरे, मैं आपको टोन और रिदम के बारे में बताने नहीं जा रही, बल्कि संगीत सम्राट के जीवन सफर से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ। तो दोस्तों, क्या आज आपको पता है कि आज किनका जन्मदिन है? आज जन्मदिन है त्याग राजा जी का, जिन्हें शास्त्रीय संगीत का मास्टर माना जाता है, और उनकी कम्पोजिशन से ही न जाने कितने संगीतकारों ने प्रेरणा ली है। त्यागराजा जी ने संगीत की शिक्षा बचपन से ही लेनी शुरू कर दी थी। उनके हिसाब से संगीत एक ऐसा जरिया है जिससे भगवान का प्यार पाया जा सकता है। इसी कड़ी में उनका पंचरत्न कृति यानी 5 जेम्स एक अलग पहचान रखता है, जिसे सुनकर शायद आप भी भगवान के प्यार को महसूस कर सकते हैं। जगदानंद फ्रेंड्स,
अपने जीवन काल में त्यागराजा जी ने करीब 24,000 कंपोजिशंस बनाई, मगर आज सिर्फ 700 कंपोजिशंस ही आपको ढूंढने पर मिल पाएंगी। दोस्तों, आज भी त्यागराजा जी को लोग याद करते हैं और उन्हीं की याद में हर साल तिरुवैयार में त्यागराजा आराधना फेस्टिवल का आयोजन होता है, जो एक हफ्ते तक चलता है। इस फेस्टिवल में शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार अपने संगीत को त्यागराजा जी की याद में बजाते हैं। तो फिर आपकी जहन में उन यादों को ताज़ा करने के लिए हम तैयार हैं। आप तैयार हैं ना? तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों, आपसे बातें करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चला और अब मैं देख रही हूँ कि अब हम अपने इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे गोल के बारे में। भाई हाँ, गोल वो शब्द है जो फुटबॉल के दीवानों में एक अलग तरह की एक्साइटमेंट पैदा करता है और अब हम जाएंगे फुटबॉल के मैदान में ही। हाँ जी, आज है चेच फैब्रिगास का जन्मदिन, तो दोस्तों मुबारकबाद देना तो बनता ही है ना। फॉरवर्ड वाइड फॉर पेड्रो हैज हिज पिक ऑफ पॉइजंस। What a touch! Cesc in midair to his right foot for four. Chance on the turnover. Cesc through. Via one-touch goal. Fabulous from Fabregas. वैसे तो फैब्रिगास बार्सिलोना के यूथ रैंक से उठकर सीनियर टीम में आए हैं, लेकिन जूनियर टीम में रहते हुए ही फैब्रिगास को आरसी वेंगर ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब आर्सेनल के लिए 2004-05 में साइन कर लिया था। बहुत ही जल्दी फैब्रिगास ने अपने टैलेंट से इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक अलग पहचान बना ली और शायद यही वजह थी कि 21 साल की उम्र में ही फैब्रिगास कैप्टन्स आर्म बैंड में नजर आने लगे। अपने 8 साल के इंग्लिश प्रीमियर लीग के सफर में उन्होंने आर्सेनल के लिए 303 मैचेस खेले और 57 गोल दागे। दोस्तों, ये फैब्रिगास का हुनर ही है कि उन्हें उनके पुराने क्लब बार्सिलोना ने 15 अगस्त 2011 को 5 साल के लिए वापस साइन कर लिया और एट प्रेजेंट सेस फैब्रिगास बार्सिलोना टीम की फॉरवर्ड लाइन में नजर आते हैं। तो दोस्तों, इस यंग एनर्जेटिक और अग्रेसिव प्लेयर को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और दोस्तों, अब वो टाइम आ ही गया जिस टाइम का ना ही आपको इंतजार था ना ही मुझे इंतजार था, जाने का। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,